फिलहाल भारतीय क्रीड़ा विश्व को अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां क्रिकेट के अलावा अब कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे खेलों की लोकप्रियता बढ़ने हेतु प्रो लीग प्रतियोगिता का आयोजन बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसमें ग्लैमर के साथ इस खेल का साहस भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिस कारण इन खेलों का भविष्य काफी सुनहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब युवा भी इन खेलों में अपनी रुचि बढ़ाकर अपना भविष्य बनाने हेतु जी जान से उतर रहे हैं। इसलिए मुंबई यूनिवर्सिटी के माध्यम से नवी मुंबई में पहली बार इंटर कॉलेज और इंटर जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वाशी के राजीव गांधी कॉलेज में इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें करीबन 209 टीमों ने अपना सहभाग दर्शाया। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के दौरान मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर नरेश चंद्रा और भाजपा के सांसद हरिवंश सिंह इनकी प्रमुख उपस्थिति रही, जिन्होंने प्रतियोगिता के आयोजन पर और युवा वर्ग के बढ़ते सहभाग पर खुशी जताई। ये प्रतियोगिता नवी मुंबई में पहली बार आयोजित की गई, जहां अन्य खेलों की तरह ही कबड्डी को स्कूली जीवन से ही प्रोत्साहन मिले, ये उद्देश्य रखा गया है। उसी के साथ स्थानिक बच्चों को भी प्रतियोगिता का फायदा होने का विश्वास आयोजकों द्वारा व्यक्त किया गया। पहले क्रिकेट सगळीकडे खेळायचे, ते प्रोफेशनल म्हणजे क्रिकेट हे करायचे, पण आता सगळ्याच गेम मध्ये मोस्टली काय झालं की सगळ्याच गेम मध्ये लीग प्रोग्राम चालू झालेले कॉर्पोरेट सेक्टर किंवा स्पॉन्सर शिपच्या घेऊन बरेचसे टूर्नामेंट्स आता घेतले जात आहेत। आत्ताच म्हणजे काही दिवसापूर्वी काही महिन्यापूर्वी प्रो कबड्डी हे ऑर्गनाईज केलं होतं आणि त्याचा प्रतिसाद पाहता म्हणजे की कबड्डीला खरंच चांगला प्रतिसाद होता, पण जे प्रेक्षक वर्ग आहे ह्या प्रेक्षक वर्ग देखील ह्या खेळाकडे काय झालेलं आहे की प्रो कबड्डीच्या ह्याच्यामुळं आकृष्ट झालेलं आहे। निश्चितच एक म्हणजे क्रिकेटनंतर क्रिकेट खालोखाल म्हणजे प्रसिद्धीसाठी कबड्डीला निश्चितच प्रसिद्धी मिळेल अशी मला आशा वाटते। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आहे हमारे थाने झोन से अप्रॉक्सिमेट 40 टीम्स मोर देन 40 टीम्स ने ऑलरेडी यहाँ पे सहभाग किया है। उसके अलावा पूरे यूनिवर्सिटी से 209 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, सो इट्स अ ह्यूज इवेंट। एटलीस्ट हमारे नवी मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें जोन 1, जोन 2, जोन 3 इंटर जोनल एंड 1 नवंबर से हमारे यहाँ जो टॉप 16 टीम्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। सो हमारे नवी मुंबई के लिए, हमारे नवी मुंबई के खिलाड़ियों के लिए और कॉलेज के लिए एक विशेष उल्लास का दिन है आज कि आज इतनी सारी टीमें फ्रॉम रायगढ़ दहानू से यहाँ पे आई हैं और सहभाग कर रही हैं। वेगवेगळे जे गेम आहेत मुख्यतः आपण क्रिकेट म्हटलं तर त्या असे गेम खेळण्यासाठी तुम्हाला क्रिकेटचं किट पाहिजे आणि महाग गेम आहेत, मग त्याचे पैसा देखील इन्वॉल्व होतो। अब कबड्डी हा जो गेम आहे हा मुख्यतः देशी गेम आहे, ह्या मातीतला गेम आहे, तर अशा प्रकारच्या मोठ्या ज्या आपण स्पर्धा आयोजित केल्या कबड्डीच्या जसे आपण आता आयोजित केल्या तर आपल्या ज्या देशी जे खेळ आहेत त्याला प्रोत्साहन मिळेल। कैमरामैन हेमंत सवान के साथ सिद्धेश मात्रे की रिपोर्ट।